श्रीकाल। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। कोयलांचल की पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। प्रकाशोत्सव की तैयारियां चरम पर हैं। इसी दौरान आइए बात करते हैं बड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों से। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त बड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सेक्रेटरी मंजीत जी। आइए जानते हैं कि प्रकाशोत्सव की तैयारियां कैसी चल रही हैं। नमस्कार सर। सर, जो तैयारियां हैं अभी वो किस लेवल तक पहुंच चुकी हैं, क्योंकि बस अब कुछ घंटों में प्रकाश पर्व का प्रोसेशन आज नगर कीर्तन शुरू होगा। आज धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 553वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में बड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 4 दिन लगातार का कार्यक्रम रखा है। आज नगर कीर्तन झरिया कोयरी बांध से 11:30 बजे आरंभ होगा और झरिया की विभिन्न सड़कों से होता हुआ कतरा से होके शाम के 3 बजे सचदेवा भवन पहुँचेगा और वहाँ से फिर भी असेंबल होकर 4 बजे गुरु नानकपुरा गुरुद्वारा से आरंभ होकर 7:30 बजे बड़ा गुरुद्वारा के प्रांगण में पहुँचेगा। इस सिलसिले में सारी तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। सिखों का उत्साह चरम पर है, जैसा आप कह रही थी बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 साल के कोरोना के कार्यकाल के बाद सिखों के अंदर जो मायूसी और उदासी छाई हुई थी उसको भरपूर जोर लगा के उस उदासी को दूर करने के लिए संकल्प है हमारे सिख भाई, और इसमें हमें पूरे इलाके के लोगों का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। गुरु नानक देव महाराज का उपदेश, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पले कौन मंदे। हम सभी उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुराही। हम सभी उस एक पिता की संतान हैं। हमें आपस में सद्भावना को बढ़ाने के लिए जो भी संभव हो करना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज की एक उक्ति है, मानस की जात सबे एक पहचान वो, एक ही जात है मनुष्य की, उसको इंसान बनना है। गुरु साहब फरमान करते हैं, अगर आपको प्रभु को प्राप्त करना है तो आपको मानवता से प्रेम करना होगा। महाराज कहते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहो सुन लो समय, हे संसार के लोगों आप सुनो, जिसने भी ईश्वर को पाना है उसे मानवता की सेवा करनी होगी, मानवता से प्यार करना होगा। इसी संदेश को आज 11:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक सारे रास्ते में सिखों द्वारा ये संदेश दिखाया जाएगा। उनकी गतिविधियों से आपको सब दिखेगा कि आपस में हम सभी एक हैं और इसको भरपूर तरह से जीने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। और आप आज यहाँ हमारे गुरुद्वारा में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। गुरचरण सिंह माजा। सर, ये प्रकाशोत्सव की तैयारियों में आपका जो किरदार है वो क्या है, आपको क्या क्या जिम्मेवारियाँ दी गई हैं? हमको कन्वीनर की जिम्मेदारी दी गई है। जो सेक्रेटरी साहब ने बताया कि आज के कन्वीनर हैं, हमने नगर कीर्तन को बड़े प्यार से बड़े उत्साह से, मतलब रास्ते में कोई किसी किस्म का कोई ऐसी वैसी बात ना हो, बच्चों को समझाते हुए झरिया से चलते हुए लक्ष्मणिया मोड़, कतरास मोड़, आगे गुरु नानकपुरा होते हुए यहाँ लाना है। आज का जो दिन है ये इतना भाग्यशाली दिन है कि एक कहा गया है, मिट धुंध जग चानन हुआ, गुरु नानक प्रगटिया मिट धुंध जग। जब गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया ना, तो उस टाइम जितने भी अपराध हो रहे थे सब ने देखा कि इस संसार में गुरु जी आ गए हैं। आज ये इंडिया में या हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये गुरुपुर्व मनाया जा रहा है। खास करके पाकिस्तान में इस गुरुपुर्व का इतना जोर है कि जो हम आपको बोल नहीं सकते। आप रास्ते में हमारे साथ चलते आइए, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब सेवा कर रहे हैं, कोई चाय का, कोई पानी का, कोई फ्रूट का, हर किस्म का अपनी अपनी सेवा लिए हुए हैं। तो हम गुरु महाराज से यही आज्ञा लिया है कि सेक्रेटरी साहब ने जो जिम्मेदारी हमको दी है वो हम ठीक से निभा सकें। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।
लाइव इंडियन गार्ड की टीम लगातार बड़ा गुरुद्वारा कैंपस में बनी हुई है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं धर्म प्रचार सचिव गुरजीत सिंह जी। आइए जानते हैं कि प्रकाशोत्सव की तैयारियां यहां पर कैसी हैं। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कितनी भीड़ इसमें उमड़ने वाली है इस कार्यक्रम में। इसमें लगभग 50,000 लोग नगर कीर्तन में शरीक होते हैं, जो रोड के दोनों किनारे नगर कीर्तन का स्वागत करते हैं। लोगों में बहुत उत्साह होता है गुरु नानक देव जी के जीवन पर। गुरु नानक देव जी ने जिस तरह संसार में प्रचार किया मानवता के लिए जी। और गुरु महाराज गुरु नानक देव जी ही ऐसे गुरु थे जिन्होंने सारे संसार में सब लोगों को एक इंसान का दर्जा, एक जमहूरियत और एक साथ रहने का संदेश दिया। मानवता का सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम ऊंच नीच, अमीर गरीब, छोटे बड़े का भेदभाव मिटा दें। गुरु नानक देव जी ऐसे शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले औरतों के खिलाफ आवाज़ उठाई। गुरु नानक देव जी ने जब लोग ऐसा प्रचार कर रहे थे, ढोर गवार सूदर पशु नारी पांचों ताड़न के अधिकारी, तो गुरु नानक देव जी ने कहा, भंड जमिए भंड निमिए, भंड मंगन ब्याह, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह, भंड मुआ भंड भालिए भंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। वो औरत जो है जो एक मर्द को जन्म देती है, जिसने बड़े बड़े राजे महाराजों को जन्म दिया, जो उस और मर्द को जब पालती है पोसती है बड़ा करती है, वो औरत किस तरह छोटी हो सकती है। जिस तरह गाड़ी के दो पहिए हैं, जे अगर एक पहिया भी ख़राब हो तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, इसी तरह मर्द और औरत दोनों का जीवन साथी जो है उस गाड़ी के पहिए के समान है। दोनों का अगर समतल सही रहेगा तो रफ्तार गाड़ी की अच्छी तरह चलेगी, एक भी खराब हो तो गाड़ी की रफ्तार सही नहीं चलेगी। गुरु नानक देव जी ने हमें जो संदेश दिया, जो प्रचार किया, वो था आप कीर्त करना। सबसे पहला है कि जो भी है परमात्मा का नाम जपना, कीर्त करना, वंड छकना। आप परमात्मा का जब भी आपके मन में रहेगा, परमात्मा का निवास रहेगा, तो आप हर काम गुरु के परमात्मा के मुताबिक करेंगे। आप धर्म आपके मन में है तो आप कीर्त करेंगे, जो भी कीर्त करेंगे तो आपके मन में वो धर्म के प्रति रहेगा कि मैं जिसका भी काम कर रहा हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो ईमानदारी से करूँ, मैं धर्म के मुताबिक करूं, मेरे को कोई कुछ बोले नहीं। और वो जो कीर्त कमाई है, उस कीर्त कमाई में से मैं अपनी दसवंध कुछ थोड़ी सी माया भी किसी के काम, गरीब को, जैसा धर्म की परिभाषा गुरु नानक देव जी ने हमें जो समझाया कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा है कि किसी दुखी को देख के आपका मन दुख जाना, किसी गरीब को देख कर उसकी मदद के लिए आपके मन में ये इच्छा जागनी, यही धर्म है। गुरु साहब ने जो हमें सबसे बड़ा संदेश दिया और जो हमें देखने को भी मिलता है दरबार साहब में, हम जब भी जाते हैं तो सबसे पहले दरबार साहब में जाने के लिए हमें सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। जब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं दरबार साहब में जाने के लिए, तो हमारा खुद ब खुद सर झुक जाता है कि जब भी आप सीढ़ी से नीचे उतरेंगे तो आप ऊपर करके मुँह नहीं सीढ़ी में और गुरुद्वारा में जाएंगे, आपको सर नीचे करके ही जाना पड़ेगा। ये सबसे पहले संदेश था कि गुरु नानक देव जी ने कहा, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ, बड़े असू क्यारी। मैं तो बहुत नीचा आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं सबसे जो नीची जात होती है उसमें मैं हूँ। और गुरु नानक देव जी भगत रविदास जी के पास भी उनके आश्रम में गए, भगत कबीर जी के आश्रम में गए, उनका संदेश उनकी वाणी अपने पास लेकर के गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज की कि कोई भी इंसान ये ना समझे कि मैं गरीब हूँ। जो परमात्मा के साथ में जोड़ता है, भगत रविदास जी ने सबको उस परमात्मा के साथ में जोड़ा, तो गुरु नानक देव जी ने उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित की। जे अगर भगत कबीर जी थे, भगत सैन जी थे, बैनी जी थे, भाव पाव जिस जात का भी हो, छोटी से छोटी जात का हो, उसको भी गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित किया गया और सरोवर बनाया गया कि सबसे पहले आप स्नान कीजिए, चाहे वो जिस धर्म का भी है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, तो उसको भी स्नान करके दरबार साहब में जाना है।
तो ये भेदभाव ऊंच नीच का है, क्योंकि आपस में बांट लिए गए थे, ये मेरा कुआं, ये मेरा तालाब, ये मेरा सरोवर। तो गुरु साहब ने इस एक सरोवर बनाया कि सब एक समान है, हम कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। गुरुद्वारा साहब में जाएं तो एक लाइन आपकी लगी है कि कोई भी आदमी उसमें मत्था टेके, कोई भी आई पी आदमी नहीं है, तो उसमें जाकर मत्था प्रसाद भी सबको एक ही समान मिलेगा। कड़ा प्रसाद जो है वो सबको मिलेगा, मत्था टेकिए गुरु का लंगर मिलेगा। तो गुरु का लंगर इसलिए था कि जितने भी धर्म के लोग हैं और गुरुद्वारा में जो भी जाएं, ये निशान साहब हमें यही संदेश देता है, जहाँ भी निशान साहब होगा, कि पहले ज़माने में इतना सफ़र करने के लिए जहाज़ ट्रेनें कारें नहीं थी, तो लोग पैदल ही ज़्यादा सफ़र करते थे, बैलगाड़ी में सफ़र करते थे, घोड़ों में सफ़र करते थे। जब रात हो जानी तो ये निशान साहब देखते थे, वहीं पर उनको आश्रम मिलता था। ये सराह होती थी उस टाइम में, पाठशाला होते थे, धर्मशाला होते थे, तो वहीं पर जाके लोग आराम करते थे। तो ये उस समय से गुरु नानक देव जी जिन्हें जो 20 रुपए का लंगर चालू किया 550 साल से आज ऊपर हो गए, वो लंगर आज तक उसी तरह चल रहा है। वो 20 रुपए का लंगर आज भी हमें संदेश देता है कि आपस में मिलकर रहो, आपस में इत्तेफाक से रहो। जी अगर हम एक रहेंगे सब, तो हर चीज़, ये पांचों उंगली जो है, एक एक उंगली जो अलग से काम करती है, तो उतना काम, उतना ये हमें शक्ति नहीं देती, जितनी हमें पांच उंगलियां मिलके, पांच उंगलियां इकट्ठी हो जाएं तो बाजू बनता है। तो इसमें जो हमें एकता मिलती है, ताकत मिलती है, वो नहीं मिलती। और गुरु नानक देव जी का यही संदेश है कि सब लोग एक हो जाएं, चाहे जिस धर्म के भी हैं, जिस जाति के भी हैं। अब वो लल्लह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर थे सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई मंदा नहीं है। और गुरु नानक देव जी ने ही हमें सबसे बड़ा संदेश दिया कि जिसके कर्म बड़े हैं, जिसके कर्म अच्छे हैं, वो सबसे बड़ी जात का है, वो सबसे बड़े धर्म का है, वो सबसे बड़ा है। जिसके कर्म छोटे हैं, चाहे वो जितना बड़ा भी आदमी है, चाहे वो ब्राह्मण भी क्यों ना हो, अगर उसके कर्म छोटे हैं तो सबसे नीची जात का वो है। अगर जिस कर्म के, जिस जाति के भी, चाहे नीचे जिस नीच जात को हम कहते हैं, अगर उस जात के भी कर्म अच्छे हैं, तो खुदा के दर में, भगवान के दर में वही परवान होंगे। वो सबके परमात्मा का, जिस तरह कहते हैं कि पैरवी करते हैं वकील, कि भाई ये जज साहब, ये मेरा बहुत अच्छा आदमी है, तो उसमें यमराज भी उनकी पैरवी करते हैं, आओ आपने इस संसार में बहुत अच्छी जिंदगी बिताई, भगवान का नाम लिया, संदेश दिया, कीर्ति की, आओ मैं आपको लेके चलता हूँ भगवान के धर्म में, आपके लिए स्वर्ग के द्वारे खुले। यह स्वर्ग नर्क सिखों में नहीं है, जो आपके कर्म हैं वही आपके साथ में जाएंगे। इस संसार में जितनी भी माया है वो यहीं रही कि आप रह जाएगी। इसलिए यही गुरु नानक देव जी का हमें यही संदेश है कि हम सब मिलजुल कर एक रहें, और गुरुद्वारा में जिस तरह हर जात के, हर धर्म के लोग आते हैं, इसी तरह हर जगह पर किसी को ना रोका जाए। हमारे मन में ऐसा लगता है कि जब हम किसी को भी मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में आने के लिए रोकते हैं, तो उस परमात्मा को कितना बुरा लगता होगा कि देखो मेरे बंदे हैं और मेरे दर में नहीं आने दे रहे। तो मैं यही, हमें हमारी यही ख्वाहिश है, गुरु नानक देव जी का यही संदेश है कि जो भी दर पे आए, किसी दर पे भी जाए, उसका वेलकम किया जाए, वो भगवान के दर पे जा रहा है। और अगर हम इस तरह करेंगे तो लोग अपना ये सोचेंगे ये इनका, ये भगवान का नहीं है, ये इनका दर है जो मेरे को नहीं जाने दे रहे हैं। तो हम ये अपने में हमें दूर करते हुए, और परमात्मा गुरु नानक देव जी के संदेश को हम यही अपील करते हैं कि गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पर चल के हम अपना जीवन सफल करें, और गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पर चलें तो देश, धर्म, हर कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा चलेगा। आपस में मिल बैठ के खाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। लाइव इंडियन गार्ड की लगातार तस्वीरों में आप साक्षी बन रहे हैं प्रकाश पर्व के। आइए बात करते हैं गुरु नानक देव जी में विश्वास करने वाले एक व्यक्ति से, और जानते हैं गुरु नानक देव जी के प्रति सम्मान में वो आज क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी पहले तो। जगजीत सिंह। सर आप एक घटना बता रहे थे शूट से पहले कि आप पाकिस्तान से होकर आए हैं, कहानी क्या है जरा दर्शकों को बताइए। कहानी एक, सबसे पहले पूरे झारखंड वासियों और पूरे देश को
मेरे और पूरा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आज के गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर जो नगर कीर्तन निकल रहा है शोभा यात्रा, आपको गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई हो सबको। तो सबसे पहली बात है कि मेरी किस्मत इस बार फिर दोबारा जागी। एक बार मैं 2011 में भी 10 दिन का टूर था मेरा, पूरा पाकिस्तान, ननकाना साहब, पंजाब साहब पूरा दर्शन करने का मौका मिला। और इस बार फिर मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक दिन के लिए करतारपुर जो कॉरिडोर खुला है वो हमको जाने का मौका मिला 29 तारीख को, लास्ट 29 अक्टूबर को, एक दिन हमको मेरा। मैं उस सरजमीन को बार बार चूमना चाहूँगा जहाँ पर पिछले 18 साल गुरु नानक देव जी ने आके वहाँ रहे और खेती करी और पूरा जीवन जो है अपना उस परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया। और मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ और जो भी जा रहे हैं वो किस्मत वाले की उस धरती को चूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात है गुरु नानक देव जी के बारे में जो हम इतिहास सुनते हैं, पृथ्वी माता जो है एक दिन बहुत तंग आ गई, वो लोगों ये जो पाप बढ़ रहा था वो सह नहीं पा रही थी। कलयुग के पहले गुरु नानक देव जी के आने से पहले उन्होंने फरियाद की अकाल पुरख को, परमात्मा को, कि भाई अब हमसे जो आप जितने भी अवतार भेजे हैं सब अपने अपने ही नाम जपा के अपना अपना कर्म करके चले गए, पर मेरा बहुत दिक्कत हो रही है, इतना मेरे पर भार सहा नहीं आता। पर तुमको क्या चीज़ का भार है, इतने बड़े पहाड़ हैं उसका भार है, इतनी नदियाँ चल रही हैं इसका भार है, और भी जितने, बोलते हैं इसका मेरा कोई भार नहीं मेरे पर। तो बोलते तुम्हारे पास क्या दिक्कत है, मेरे को अकीर्त घन जो गलत सोच के हैं अकीर्त घन बोला जाता है उसको, उसका भार नहीं सहा जाता है, उस आदमियों का भार हमसे सहा नहीं आता। तो क्या है, तो फिर आकाशवाणी हुई, अकाल पुरख ने किया कि ठीक है मैं खुद इस बार किसी देवता को नहीं भेज रहा हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ। तो आज उस माता को भी नमस्कार है, माता तृप्ता और पिता कल्याणदास, ये गुरु नानक देव जी के माता पिता हैं। वो कोख एक अकाल पुरख जो उनके यहाँ से अवतार ले रहे हैं वो कितनी सौभाग्य होगी, ये हमारे लिए बहुत बात है। सो उनको भी प्रणाम है। और गुरु नानक देव जी का जीवन हमारे जितने साथियों ने आपको बताया कि उनका क्या मकसद था, कि धर्म करना है, उस पर सबसे बड़ी बात है धर्म करना और परमात्मा का नाम, उसको नहीं समझता। अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरी जूनों में अब नहीं पढ़ें और किसी जीव जंतु में नहीं पढ़ें, तो आप इस युग में परमात्मा की मन सच्चे मन से आराधना करके उसके साथ आप एक मिक हो सकते हैं, दोबारा फिर आपको ये जीव जंतु के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। और जितना भी गुरु नानक देव जी का, गुरु नानक देव जी खाली सिखों के गुरु नहीं हैं, पूरे वर्ल्ड के करतारपुर में जहाँ उन्होंने आखिरला समय व्यतीत किया, हिंदू भी मानते थे मुसलमान भी मानते थे, जब उन्होंने शरीर छोड़ा वो चादर लेके लेट गए थे, चादर लेके लेट गए और उन्होंने गुरपुरी से हार गए, तो वहाँ फिर हल्ला हो गया। हिंदू बोले हम लोग अपने रीति रिवाज से उनका संस्कार करेंगे, मुसलमान बोले हम लोग अपने हिसाब से संस्कार करेंगे। तो फिर कोई सियाने बुजुर्ग होते हैं भाई ठीक है जो करना बाद में करेंगे, पहले चादर उठाया जाए, चादर उठाया जाए, शरीर था ही नहीं, गुरु नानक पर लोग सिरहार गए थे। तब विचार बना अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हिंदू लोग में तो हम लोग जलाते हैं और उसमें दफन करते हैं, तो वो चादर को दो हिस्से किया गया, एक चादर हिंदू समाज ने ली और एक मुसलमान ने। आज भी मैं अभी खुद दर्शन करके आ रहा हूँ, मेरे पास सब फोटो हैं, एक जगह मजार बनी हुई है एक ही जगह में, जो मुसलमान वीरों ने अपने हिसाब से उनको दफन किया, और एक जगह अंदर में गुरु महाराज जी का चबूतरा बना हुआ है जहाँ संस्कार किया गया। ये बहुत ही, और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरे को दो बार, फिर कोशिश करूँगा, फिर जाऊँगा, बार बार जाऊँगा। धन्यवाद। बोले काल। पल पल की तस्वीरें आपके नजरों के सामने लाइव इंडियन गार्ड लेकर आ रहा है। लाइव इंडियन गार्ड की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ा गुरुद्वारा में किस तरीके से प्रकाशोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। इसी दौरान आइए जानते हैं कि यहां प्रकाशोत्सव में क्या क्या पूजा होती है, क्योंकि आमतौर पर लोगों को जानकारी नहीं होती है। जो आमतौर पर जो सिख दर्शक नहीं है हमारे, उन लोगों के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं
बड़ा गुरुद्वारा के हेड ग्रंथी, आइए उनसे जानते हैं और जानकारियां लेते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम त्रिलोक सिंह। सर, यहाँ पे जो आज नगर कीर्तन के बाद जो पूजा होने वाली है या प्रकाश उत्सव तक का जो भी यहाँ पर रूटीन है वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे आज नगर कीर्तन निकल के आएगा जी, तो शाम को 7 बजे तक गुरुद्वारा साहब पहुँचेगा, बट शाम को 6:30 बजे से हम लोग पाठ शुरू हो जाएगा, हम लोगों का रहरा साहब जी का पाठ। उसके बाद 7 बजे से लेकर 8 बजे तक कीर्तन होएगा, और कीर्तन के बाद अरदास होने के बाद में गुरु का लंगर है वो सभी के लिए बरताया जाएगा। और हमारा जो प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम जो हमारा 8 तारीख को है, 8 तारीख को हमारे रागी जत्थे बाहर से आ रहे हैं, प्रसिद्ध रागी जत्थे हैं, जो भी सुबह से लेके 4:30 बजे से 4 बजे से प्रोग्राम हो जाता है हमारा। प्रकाश होने के बाद गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का उस पाठ पूजा होती है। मेन प्रोग्राम जो स्टार्ट होएगा वो हमारा 10 बजे से 11 बजे से स्टार्ट होएगा और लगभग 2-2.5 बजे तक चलेगा। और उसमें जिस प्रसिद्ध रागी जत्थे बाहर से आ रहे हैं वो अपनी वाणी के द्वारा संगतों को निहाल करेंगे। उसके बाद टोटल समाप्ति होगी, संगत का काफ़ी कट होएगा, कम से मिनिमम बता रहे थे अपना 77 साहब जो हमारे है, तो उन्होंने बताया, जो नॉलेज है मेरे को बताया, कम से कम 7 से 8 हज़ार आदमी यहाँ पर उस दिन गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए भक्त लोग आएंगे, और उपरंत फिर गुरु का लंगर उनके लिए रहेगा। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, प्रकाश उत्सव क्यों कहते हैं इस पर्व? प्रकाश उत्सव इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्चुअली कि गुरु जो हमारे फर्स्ट गुरु हुए हैं गुरु नानक देव महाराज जी, प्रकाश उत्सव मनाने का ये फ़ायदा कि उनको हम लोग एक याद किया जाए उनको, भाई उन्होंने हमारे सिख धर्म के लिए, बट सिख धर्म के लिए नहीं, अदर धर्म के लिए बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर गुरुओं की वाणी तो है ही है, उसमें 15 भक्तों की वाणी, जहाँ पर उन्होंने दर्जा अपने को तो दिया ही है बट सभी धर्मों को दर्जा दिया है, और सभी को बोला है भाई सभी सम्मान सिर्फ सभी का करना है, और जितना भी हो सके किसी को नीचा नहीं दिखाना है। जिसमें हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 15 भगत हुए, 4 गुरसिख हुए, और भक्तों के अंदर जिसमें भगत कबीर जी है, भगत रविदास जी भी है, सभी मतलब अदर कास्ट के सभी को उसमें वो दिया हुआ है। तो इसी का है इसको प्रकाश उत्सव। प्रकाश उत्सव तो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे गुरु का प्रकाश है, जन्म दिहाड़ा, जैसे अपन अपने बच्चे का या अपना जन्म मनाते हैं और घर में उसका एक फंक्शन रखते हैं, सभी को इन्वाइट करते हैं, इसलिए हम उनका प्रकाश उत्सव मनाते हैं। प्रकाश उत्सव का मतलब ये होता है संगत को जोड़िए, उनकी वाणी से जोड़िए, जो उनकी वाणी है गुरु की उसको सुनाइए, उससे कुछ जोड़े, क्योंकि शब्द ही गुरु है। जो दुनिया में एक्चुअली क्या है, जो हम लोगों को आज जिस तरफ जा रहा ना, डिवाइड हो रहा लोग बाग, उससे नहीं, गुरु के साथ जुड़ने से इतना रहता है। आप कभी बैठ के सुनिए, एकाग्र सुनिए बैठ के, आपको मन की शांति मिलेगी। प्रकाश उत्सव मनाने का ये फ़ायदा भी, सभी आपस में मिलजुल के बैठे और गुरु की वाणी सुने। प्रकाश का आप बार बार पूछ रहे हैं ना, प्रकाश का क्या, गुरु नानक देव जी के आने से पहले दुनिया में अंधेरा था, जब उन्होंने जन्म लिया प्रकाश यानी कि रोशनी हुई, उसी रोशनी को मनाने के लिए आज ये पर्व है। उनका अवतार हुआ है, अवतार प्रकाश हुआ, अवतार मतलब आम आदमी जो जन्म लेता है, ये अकाल पुरुष आप प्रकट हुए हैं, इसको प्रकाश बोलते हैं। परमात्मा जो है खुद गुरु नानक के रूप में, आप नारायण कलाधार जग मैं परवरे हो, वो नारायण कलाधार के इस मातलोक में आए, जो यहाँ कूड़ हो रहा था, कब पखंड हो रहे थे, उसको सीधा करने के लिए, इसीलिए आज सब कोई उसको मानते हैं प्रकाश।